पढ़ाते वक्त हमेशा ऐसा रहता है कि हर 5 में 4 कमेंट तो ऐसे होते हैं, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, जीएस की तैयारी कैसे करें, रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, स्कोर कैसे बढ़ाएं, किस तरीके से सही पैटर्न को फॉलो किया जाए, स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए। शायद ये आप लोगों का एक विश्वास है, शायद आप लोग को ये बात का एक बहुत ही अच्छा एक पकड़ है, एक विश्वास है। आप ये जानते हैं कि मैं जो भी सजेस्ट करूँगा वो आप लोगों के भले के लिए सजेस्ट करूँगा, इसी वजह से आप एक उस विश्वास के साथ मुझसे इन सवालों को पूछते हैं। हमारे साथ ऐसा हो रखा है कि मेरे फ़ोन में शायद ही कोई ऐसा मिनट होगा कि कोई कॉल नहीं आता होगा, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो है पूरा का पूरा फ़ोन, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक और मेरा व्हाट्सअप सेम ऐसे ही मैसेजेस से फ्लडेड है। ठीक है, हज़ारों की संख्या में बच्चों के मैसेजेस हो पाते हैं। अब वैसे केस में मेरे लिए बड़ा मतलब इम्पॉसिबल सा सिचुएशन हो जाता है। चलिए जो बच्चा मेरे सामने आया उसको मैं बता दूंगा, ठीक है, जो कोई फ़ोन कर पाया, एक दो कॉल जो मैंने अटेंड कर लिए वो कर लिया, बता दूंगा। लेकिन हज़ारों की संख्या में मैसेज का आंसर देना, हज़ारों की संख्या में बच्चों का क्लास के अंदर कमेंट आना, उसका आंसर देना, और लगभग जो डाउट होते हैं वो सिमिलर से होते हैं। ऐसा नहीं है कि हज़ार बच्चे के हज़ार अलग अलग तरह के डाउट हैं, जो डाउट हैं वो सिमिलर से हैं। अब ऐसे स्थिति में मेरे साथ चैलेंज ये हो जाता है कि मैं किस किस को आंसर दूँ और कितना आंसर दूँ। तो इस वजह से जो है, जो आप लोगों का एक जनरल क्वेरी था, तो मैंने सोचा कि चाहे कोई भी सिचुएशन रहे, चाहे क्लास हम आज की जगह कल कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये रहेगा कि आप लोगों के डाउट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों के हो जाते हैं कि फिर मेरे लिए पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं रोज़ शाम 6:30 बजे बहुत डांट लगाता हूँ बच्चों को कि अभी चुपचाप पढ़ा रहा हूँ, पहले पढ़ लो, बाद में डाउट पूछ लेना, लेकिन उनका डाउट ही इतना ज़्यादा होता है कि सही से आदमी पढ़ा भी नहीं पाता है। तो आज ये तो नहीं कहूंगा कि पहली क्लास से ही आप लोगों के सारे डाउट क्लियर अप हो जाएंगे, लेकिन हाँ, थोड़े से डाउट जो है वो ज़रूर हम क्लियर अप आज कर सकते हैं, और बाकी जो आप लोगों के एक तरीके से स्ट्रैटजी हो गया, करियर गाइडेंस हो गया और बाकी चीज़ें हो गई, इसी तरीके से हम अलग अलग सेशंस हफ्ते में एक सेशन लेकर आप लोगों के सभी चीज़ों को हम क्लियर अप करने में कोशिश करेंगे मेरे भाई, ठीक है। और जो भी बात होगी वो सीधी बात होगी, अनफिल्टर्ड होगी, जो भी रहेगा आप लोगों के हित में रहेगा, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कमेंट मेरे पास कई सारे थे, मैंने पहले सोचा कि मैं ऑलरेडी पीपीटी बना के एक लेके आता हूँ और उस पीपीटी बनाए हुए लेकर उनके सवालों के जवाब दूंगा, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन डाउट है आप लोगों के। फिर मुझे लगा ऐसा नहीं करते हैं, जब बच्चे लाइव सेशन में होंगे और जब वहाँ पर वो क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे तो उनके क्वेश्चंस को ही एक एक करके आंसर देंगे। बस आप लोगों से पूरे सेशन तक एक विनम्र मेरा निवेदन है, ठीक है, कि आराम से एक एक करके अपना अपना कमेंट जो है, अपने अपने क्वेश्चन जो है, वो कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बोलते रहिएगा और उसका हम आप लोगों को आंसर देते रहेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी कमेंट मत करिएगा ताकि हम पढ़ ही ना पाएं आप लोगों का कमेंट, और जेन्युइन डाउट पूछिएगा, ये मत पूछिएगा कि यहाँ पर जो है कितने घंटे टीवी देखना चाहिए, कितने घंटे रील देखना चाहिए, फर्जी कमेंट कुछ भी नहीं, जो आपके करियर से संबंधित है, जो आपके आगे आने वाले फ्यूचर से संबंधित है, उन बातों को पूछेंगे तो शायद मैं आपकी बहुत मदद कर पाऊँगा, ठीक है।